दुर्ग नगर निगम के वार्ड 34 के प्रधानमंत्री आवास में कांग्रेस नेत्री ने कराया अवैध कब्जा। भाजपाइयों ने आयुक्त से की FIR दर्ज कराने की मांग। भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही पवित्र भाव के साथ गरीबों के लिए आवास का निर्माण कराया और उसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए अब उन्होंने कहा है कि आवासहीन जो किराए में परिवार निवासरत हैं उनको आवास का आवंटन किया जाए। कांग्रेस की पूर्व पार्षद शहर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष एवं वर्तमान एल्डरमैन के द्वारा पूरे क्षेत्र के गरीबों को उकसा करके अवैध कब्जा कराया गया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उस मकान पर कब्जा किया। प्रशासन इस बात की साक्षी है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर जो गरीबों के आवास में अपने कार्यकर्ताओं को रहने दे रहे हैं, गरीबों के हक पे डाका डाल रहे हैं, इन लोगों के विरुद्ध FIR हो। और हमारी शिकायत है कि निगम आयुक्त कहाँ सोते रहे कि कतिपय कांग्रेसी उन गरीबों के आवास पर कब्जा कर लिए। इसलिए हमारी मांग है कि कब्जा कराने वालों के ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। माननीय विधायक जी ने अपने महिला कांग्रेस अध्यक्ष के कंधे पे रख के जो बंदूक की गोली चलाई है, उन गरीबों के हक में डाका डाला है माननीय अरुण वोरा जी ने, इसलिए इसकी जांच हो, इसकी FIR हो। और इस शहर में जितने लोग किराए से रह रहे हैं, जितने लोगों के घर नहीं हैं, ऐसे लोग जो एक परिवार में दो बच्चे कमाने खाने वाले हो गए, नरेंद्र मोदी का सपना है ऐसे लोगों को घर देने का, तो हम मांग करते हैं आयुक्त महोदय से कि ऐसे परिवारों को उस आवाज में कब्जा दिलाएं और जिन्होंने कब्जा दिलाने का कुत्सित प्रयास किया है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कराएं।